हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त एक चीज पढ़ी थी कि हम अपनी मीन को इंटरवल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे अगर वो बोल रहा है दो कॉल्स तीन मिनट में तो हम अपनी मीन को एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई अगर नौ मिनट है ना यानी कि मिनट किससे मल्टीप्लाई हो गए तीन से ना थ्री मिनट नाइन पे जा रहा है तीन से मल्टीप्लाई होकर नौ पे जाएगा तो दो कॉल्स किस पे चला जाएगा तीन से मल्टीप्लाई होकर छे कॉल्स इसका मतलब अगर दो कॉल्स की एवरेज है मिनट में तो छह कॉल्स की एवरेज होगी हर नौ में, आप इस तरह से अपना मीन जो है उसको एडजस्ट करोगे पहली चीज मीन को हमें एडजस्ट करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है ये काम हो गया दूसरा उसका सवाल था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फाइव और मोर कॉल्स विल बी रिसीव्ड यानी कि उसने हमसे जो पूछा है वो पूछे एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू फाइव पांच या पांच से ज्यादा अब पांच या पांच से ज्यादा का मतलब हो गया पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस सर चलते चले जाएंगे हां क्यों चलते चले जाएंगे इसलिए क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अपर लिमिट नहीं होती है सर ये क्या मतलब है देखो फॉर एग्जाम्पल लेट से तुम्हारा मोबाइल फोन है ऑन एन एवरेज मैं बोलता हूं तुम्हारे मोबाइल फोन में नौ मिनट में छह फोन कॉल्स आती हैं क्या सात नहीं आ सकती क्या आठ नहीं आ सकती क्या नौ नहीं आ सकती बारह तेरह नहीं आ सकती सौ कॉल्स भी आ सकती है सवाल को फिर हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर वो बोलता है कि पांच या पांच से ज्यादा कॉल्स आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो मैं हमेशा पॉइन डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा वाला सवाल जिसमें वो बोलेगा कि पांच या पांच से ज्यादा बताओ उसको सॉल्व करने के लिए वो वाली प्रॉबेब वो वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि मैं वन में से माइनस कर दू जीरो कॉल आने की एक कॉल आने की दो कॉल आने की तीन कॉल आने की या चार कॉल आने की प्रोबेबिलिटी देखो प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम वन होता है हमें उससे अगर बोला है पांच या पांच से ज्यादा कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो वन टू थ्री फोर उसका कंसर्न नहीं है तो मैं वन में से 0, 1, 2, 3 या फोन कॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी हटा देता हूं फिर जो बचेगा वो यही बचेगा कि पांच या पांच से ज्यादा कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अब ये कैलकुलेट कैसे करूंगा वन माइनस ई की पावर माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल फिर दूसरा क्या होगा की पावर माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल माइनस की पावर माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल माइनस ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल माइनस ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय म्यू की पावर एक्स अपॉन x का फैक्टोरियल अब इसको सॉल्व कर कर मुझे फाइनल आंसर बताओ फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई आप लोगों के कंसर्न तो, तो है। जो आपका एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना इसकी वैल्यू कुछ होती है वो आपके कैलकुलेटर में बटन आ रहा होगा मैंने आपके सामने आईके पे ही आंसर लिख दिया ताकि आप लोग अगर सॉल्व करने में देर लगाओ तो ये आंसर आ रहा होगा फाइनल आंसर यही है जीरो पॉइंट सेवन वन फोर नाइन ठीक है I don't you. Thank you.